HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। काम धंधा तो दिन पे दिन जिस तरह से चल रहा है उस तरह से मैं तो सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का ध्यान तो अब किसी भी तरह से बिजनेसमैन के ऊपर तो कभी रहा नहीं, और आगे क्या होगा मुझे ये मालूम नहीं। सुबह से शाम तक छोटा दुकानदार हो, हर एक तबके का दुकानदार इस टाइम अपने बिजनेस से परेशान है, खून के आंसू रो रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम किससे माध्यम से अपनी खबर भारत सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि इस टाइम बड़े से बड़ा मीडिया या तो सुशांत केस में लगा हुआ है या किसी कंगना के उसमें लगा हुआ है, ना उसको किसी चीज का ध्यान है। सिर्फ कोई भी चैनल खोलो बड़ा से बड़ा सुशांत की खबर आती है, कभी उसने बिजनेस मैन का हाल नहीं दिखाया कि आज एक दुकानदार के पास 20-20 वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कैसे बटेगी, उनको तनख्वाह कैसे देंगे। व्यापार का भारत सरकार की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। पहले जब काम था 2-2, 4-4 हजार रुपए रोजाना GST देते थे गवर्नमेंट को, पता नहीं गवर्नमेंट का अपनी तरफ भी ध्यान नहीं है, और हर तरफ से दुकानदार पूरी तरह आत्महत्या के लिए मजबूर है। छोटे से छोटा दुकानदार 100-200 रुपए की बिक्री नहीं कर पाता। क्या आपको अपना कोई भविष्य नजर आ रहा है कि आगे कोई आपका काम चलेगा? आपका तो सर्राफ का काम है, हम देख रहे हैं दिन में सो रहे हैं। कोई ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि सोने चांदी की 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की, 10000 की, 20000 की जब बनेगी, आज अनाज के लिए सब्जी के लिए वो अपने पैसे नहीं जुटा पाता। सोने चांदी खरीदने की बहुत दूर की बात है। आज सब्जियों के रेट देखो, पालक 80 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है, पहली बार आलू मैंने 60 रुपए किलो खरीदा। इस टाइप कोई ध्यान ही नहीं सरकार का। पूरा मीडिया कभी आज तक सब्जी मंडी को नहीं दिखा रहा, पूरा मीडिया आज तक बाजार को नहीं दिखा रहा, लेकिन छोटा सोशल मीडिया तो दिखा रहा है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये तो देखे कि पूरे हिंदुस्तान को चलाता कौन है। आज सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार चलाता कौन है? बिजनेसमैन चलाता है या सुशांत चलाता है? बिजनेसमैन चलाता है, कंगना चलाती है? आज देखो कोरोना का कितना माल है, 2000 जब 1000-1500-200 मरीज थे जब पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया, आज 90,800 1070 मौत हो गई, पर कोई ध्यान नहीं है पूरे सरकार का। लेकिन आप लोग तो सरकार के साथ खड़े थे, जब आप लोगों ने तो कहा था कि बहुत अच्छी सरकार बनी है, बदलाव आएगा, क्या आपको लगा बदलाव? हम भी ये चाहते थे कि किसी तरह, सब दुनिया कहती थी कि कांग्रेस काम नहीं कर पा रही, हम दूसरी सरकार क्या है, क्योंकि बिजनेसमैन को तो क्या बिजनेस चाहिए, हर तरफ से वो सरकार के साथ रहना चाहते थे। लेकिन सरकार को खुद ही नहीं पता कि सरकार किसके साथ रहे, अपने अपने में ही लगे हुए हैं। तो क्या मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा मर रहा है? सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग मर रहा है, और जो गरीब आदमी है वो तो खत्म होता जा रहा है, और जो मझोला आदमी है वो गरीब होता जा रहा है, और जो बड़े आदमी है, 100 आदमी है, 200 के हाथ में है, सरकार 200 या 400 आदमी के हाथ में पूरा हिंदुस्तान सौंपना चाहती है कि एक आदमी गाड़ी बनाए, एक आदमी फैक्ट्री चलाए, एक आदमी ये खरीदे, छोटे आदमी को कोई कारगर नहीं देना चाहती, छोटा आदमी कहाँ जाएगा। तो आपको कोई अपना भविष्य नजर आ रहा है कि अब आने वाले समय में? हमारा तो भविष्य ये है कि हम तो खुद सोचते रहते हैं कि इस व्यापार को बंद करके कोई ऐसा व्यापार करे तो कम से कम रोजाना ही मर रहे के तो जरूरत पूरी हो जाए। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो लोग भारत सरकार को या छोटी सरकार को, राज्य सरकार चलाती है, वो है व्यापारी, और व्यापारी की तरफ उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। इसी से ही पूरा हिंदुस्तान चलेगा, ना कि सुशांत से पूरा हिंदुस्तान चलेगा। सुभाष जी, अभी तो 12 ही बजे हैं और आप 12 बजे ही सो रहे हैं, अभी तो 9 बजे तो दुकान खुली है, 12 बजे आप दुकान में सो रहे हैं, क्या वजह है? जब से दुकान खोली है, जब से कोरोना आया है, बाजार के अंदर एक पैसे का काम नहीं, बोनी तक नहीं हो रही।
अब लेटे लेटे आलस्य आएगा। इधर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इधर सारे ग्राहक आ नहीं रहे, इधर श्राद्ध पक्ष, इधर अगले महीने लोन का 2020 तो दुकानदारों ने सबने अपनी पूंजी तोड़कर खाई है। क्या सरकार दुकानदारों को मुआवजा देगी? क्या सरकार दुकानदारों के पक्ष में कुछ सहायता करेगी? लेकिन आप सब तो सरकार के साथ खड़े थे, बोले बहुत अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, देश में तरक्की हो रही है, आप तो खुद लोग मान रहे थे। क्या कह रहे हैं दुकानदार? तो कुछ भी नहीं कह रहे, दुकानदार तो अपने बिजनेस से मतलब है। दुकानदार को तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो अब लोगों को बेकार इधर दिमाग बटा दिया, कभी राम मंदिर की तरफ बटवा दिया, कभी 370 की तरफ बटवा दिया, अब कोरोना की तरफ दिमाग बटा दिया लोगों का। अब कोरोना से कहने के कई बीमारियां भी बन सकती है। अरे जब कोरोना की जब जिस टाइम मतलब कोरोना मतलब ग्रीन जोन था, जब तक तो मार्केट बंद करवा दी 2-3 महीने तक, और जब कोरोना के केस बढ़ने लगे तो फिर वो ये कह दिया कि मतलब अब दुकान दो 7 दिन खोल लो। लेकिन आप तो दो भाई है, दोनों ही सो रहे हैं 12 बजे, ऐसा क्या क्या बोने बट्टा भी नहीं है क्या? ग्राहक आते नहीं आपके पास? नहीं, ग्राहक ही नहीं है, बाजार में देख लो खाली पड़ा है। सरकार कहती है GST का वो है, तुम्हारे पास वो जाओ सेल दिखाओ, फलाना दिखाओ, कहाँ से दिखाए, फोन ही नहीं है। तो क्या जरा भी काम धाम नहीं है? अभी जीरो, बिल्कुल जीरो। अच्छा, आप ही का है या सभी का ये हाल है? सभी का यही हाल है, व्यापार के अंदर सब जाके कहीं। सर कैसे आप लोगों का गुजारा हो रहा है? गुजारा कहाँ से, कहते रहे दुकान की जो पूंजी है वो तोड़कर खा रहे हैं। जो दुकान की पूंजी है वो ही दुकान के अंदर माल ही 50% रह गया। अच्छा, आप प्रधान भी हैं बाजार के, आपका एक गोकल बाजार हमने पूरा देखा है, ये टूटा पड़ा है, जाल वाल, आप लोग लगातार अतिक्रमण की मांग उठाते रहे, क्या इस लॉकडाउन के दौरान आपको नहीं लगता ठीक हो जाता है ये सब चीज? ये लॉकडाउन के अब भी ठीक हो सकता है, अभी बाजार में ग्राहक नहीं है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अभी वहाँ पर जिस दिन कोरोना की मीटिंग थी उस दिन ही साहब से कहा था कि आप बाजार में आकर देखो अतिक्रमण का, बाजार के अंदर घड़े आकर देखो, सड़कों के ऊपर पानी खड़ा है, नालों के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है, फिर भी कोई सफाई नहीं है। हाँ हो जाएगा, आपको संदीप जी के नंबर दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अरे तो संदीप जी से कांटेक्ट करें सारे प्रधान, तो ये क्या करेगा प्रशासन, क्या करेगा प्रशासन? सब सोया हुआ है प्रशासन, तो लोगों को दिमाग को प्रफुल्लित कर रहा है बस, और कुछ नहीं। तो फिर आप लोग रविवार भी खोल दिया, जब काम ही नहीं है तो किस लिए रविवार खोल रहे हैं? 7 दिन सोमवार को हमारा ये आ रहे बोनी तक नहीं है, तो मतलब रविवार और उस तक खोलने से क्या फायदा है? लॉकडाउन से लेके अब तक आप व्यापारियों की कई बार मीटिंग हुई, आपने कई सारे मुद्दे उठाए, किसी एक मुद्दे का हल हुआ? एक का भी नहीं हुआ, एक का भी हल नहीं हुआ कोई भी। अब तो सरकार ने ये कह दिया कि तुम मरो जियो, बस सरकार ने खुला छोड़ दिया, जैसे एक आवारा पशु को छोड़ दिया जाता है, एक आवारा पशु से भी बदतर जिंदगी दुकानदार की है। तो ये जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, क्या इससे लोगों की जेब में पैसा नहीं है या लोगों की जेब में पैसे नहीं है? अर्थव्यवस्था कहाँ गया लोगों की जेब का पैसा? कहाँ गए? सरकार को पता कहाँ गया? अगर हमें पता होता तो हम कर लेते, हमें नहीं पता, हम तो दुखी है बस। तो आपको आने वाला समय अब कैसा दिख रहा है अपना? आने वाले मेरे को ये लग रहा है कि ये 2020 तक 2021 में भी यही हाल रहेगा, लोग भुखमरी के कगार पर आ चुके और आ जाएंगे, और कई अगर 2-4 महीने ऐसे ही और रहा तो कई दुकानदार तो दुकान नहीं बंद करके मर जाएंगे। तो मध्यम वर्ग का क्या हाल चाल है? मध्यम वर्ग ही तो मर रहे हैं, गवर्नमेंट सब गरीब वर्ग को तो सरकार अनाज भी दे रही है, सब कुछ राशन भी दे रही है, तेल भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। जो बड़े किंग बैठे हैं उनके माल भरे जा रहे हैं, उनके तो जैसे महंगाई से खर्चे उनके उनको तो बाहर में भरा जा रहा है, पीस कौन रहा है मध्यम वर्ग? किस तो सरकार क्या दे रही है? वो तो अपनी एक दुकान से ही रोजी रोटी चलाता है, जब काम ही नहीं होगा तो क्या करेगा? बच्चे पाले, बच्चे भी पाल नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, क्या करेगा? मीडियम वर्ग जितना पिसा है हिन्दुस्तान के अंदर, यानी पूरे हिन्दुस्तान में पिस रहा है। तो इसका कोई हल नजर आता है आपको? हल कोई सरकार के पास ही नहीं है, सरकार ने तो अपनी ऐश करनी है अपनी जिंदगी की, मरे तो पब्लिक मरो, सरकार के पास क्या है? सरकार ने तो कह दिया कि खुले छोड़ दिए। लेकिन चुनाव के वक्त को कहा गया था मोदी जी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित हाथों में है। पब्लिक को जो मोदी जी से उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी, कभी मुख्यमंत्री जी के भाषण सुने, कभी मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा हरियाणा की बोली,
क्या लीजिए। मोदी जी तो देश के लिए वो कर रहे हैं, मोदी वो हरियाणा के लिए करेगा तो हरियाणा भी तो देश में ही आता है। हरियाणा देश में उसने मुख्यमंत्री ऐसे बना के छोड़ दिया जिनको यही नहीं पता क्या होना है। कोरोना के लिए मतलब ये देख लो पूरा साल कोरोना में निकाल। लेकिन आप लोग तो बीजेपी के फैन थे चुनाव के वक्त, आप तो तमाम लोग लगे हुए थे। अब तो आप तो खुद कहते थे हम तो मोदी जी के फैन हैं, हम तो मोदी जी के साथ हैं, जितना मर्जी बाजार बंद कर लो। फैन थे जो कार्य किए थे उससे उम्मीद थी कि रोजगार बढ़ेगा, काम मिलेगा, दो पैसे पेट में आएंगे, घर का खर्चा चलेगा। ये थोड़ी पता था कि हमारे दुकानदारी ठप हो जाएगी। तो अब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? कोई उम्मीद नहीं।